लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत, रोजाना 7 रुपए बचाकर पाए 60,000 रुपए पेंशन, जानिए क्या है मोदी सरकार की ये योजना, 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े कई नियम, करना होगा इन रूल्स का पालन। अगले कुछ घंटों में आंधी तूफान और तेज बारिश, इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट, अब बिना आधार कार्ड के नहीं हो सकेगी जांच, सोलशैया अस्पताल में जारी हुए निर्देश, अक्टूबर में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड के बाद इस कंपनी से उम्मीद, आरोग्य सेतु ऐप में कमी ढूंढने वाले को मिलेगा 1,50,000 का इनाम। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से, लेकर उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 1,73,763 के पार पहुंच चुका और 4,971 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 82,370 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,64,867 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 59,24,275 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। देश के विभिन्न हिस्सों में गत 48 घंटों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली NCR में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड से राशन ले पाएंगे। उन्हें ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और न ही नई जगह पर राशन कार्ड बनवाना होगा। 2 भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड। वहीं भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ट्राई देश में मोबाइल फोन नंबरिंग स्कीम को बदलने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार ट्राई ने शुक्रवार को देश में 11 डिजिट के मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव जारी किया। ट्राई का मानना है कि 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर को 11 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज्यादा मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाएंगे। पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जारी 20,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारत में आर्थिक पुनरुत्थान एक उदाहरण भी पेश करेगा जो वर्तमान में कोरोना वायरस के खतरे से लग रहा है। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर पीएम ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। बिना आधार कार्ड के नहीं हो सकेगी जांच। जी हां, सोलशैया अस्पताल में जांच कराने वालों का अब पूरा डाटा रखना होगा। जांच से पहले उनका आधार कार्ड या फिर अन्य कोई आईडी प्रूफ होना जरूरी है। रक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। कोरोना संक्रमण के लिए चेन्नई मेट्रो में अपनाया गया नया तरीका। अब यहाँ पर लिफ्ट हाथ से नहीं बल्कि पैर से ऑपरेट होंगे। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ऐसी नायाब लिफ्ट लगाने वाला पहला शहर बन जाएगा। नई तकनीक के हिसाब से इसे अब हाथ से नहीं बल्कि पैर से ऑपरेट किया जाएगा। ओडिशा में अम्फान तूफान के बाद अब गुजरात में समुद्र तट पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम जानकारों का कहना है कि गुजरात के समुद्री तट पर हिका नाम का चक्रवात तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार हिका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जा सकता है। इस चक्रवात की वजह से कच्छ के कंडला और आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस से बचाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार ने इस महामारी से बचाव के लिए जरूरत से ज्यादा इंतजाम किए। हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आज तक 17,386 केस सामने आए हैं। इनमें से 7,846 लोग ठीक हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मरीजों की कम से कम मौत हो इसके लिए सरकार काम कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप में कमी ढूंढने वाले को मिलेगा 4,00,000 तक का इनाम। सरकार ने लॉन्च किया बाउंटी प्रोग्राम। जी हाँ, कोरोना वायरस मरीजों को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी की तरह और भी बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष के उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में बग ढूंढने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐप में खामी ढूंढने वाले को सरकार 4,00,000 तक का इनाम देगी। सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और CNG जैसे ईंधनों की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों पेट्रोल, डीजल, CNG, LNG और LPG के लिए खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है।
अमेरिका के एक मशहूर साइंटिस्ट ने हैरान करने वाली चेतावनी दी है। साइंटिस्ट माइकल ग्रेगर ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि चिकन फार्म से ऐसे वायरस निकल सकते हैं जिससे कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी पैदा हो सकती है। ये वायरस इतना खतरनाक हो सकता है कि इसे आधी दुनिया को खतरा हो सकता है। हालांकि माइकल ग्रेगर की भविष्यवाणी से जुड़ा कोई सबूत सामने नहीं आया और न ही किसी अन्य वैज्ञानिक ने उनके दावे की पुष्टि की। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भोपाल से गायब होने का पोस्टर शुक्रवार सुबह में राजधानी के कई इलाकों में देखा गया। इस मामले में बीजेपी के एक और प्रवक्ता का कहना है कि वो हॉस्पिटल में कैंसर और अपनी आंखों का इलाज करा रही थी। दरअसल इस अज्ञात पोस्टर्स में पूछा गया था कि बीजेपी की सांसद कोरोना के संकट में कहां गायब है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में अब एक और कंपनी ने दुनिया की उम्मीदें जगा दी है। वियाग्रा जैसी दवाओं का आविष्कार करने वाली अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने दावा किया कि इस साल अक्टूबर के अंत तक उनकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में है। इस योजना के तहत हर दिन 7 रुपए की बचत के साथ सालाना 60,000 रुपए की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देती है। 18 से 40 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।